Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We will continue our chapter, the decline and the reawakening of the Muslims. इस चैप्टर में हमने प्रीवियस अपने तीन लेक्चर जो है वो कवर किए, जिसमें पहले हमने डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम को डिस्कस किया, फिर रीअवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम को डिस्कस किया, और रीअवेकनिंग के लास्ट में हमने कुछ ऐसी रिवाइवलिस्ट पर्सनैलिटीज का नाम दिया था जिसको हमने फर्दर डिस्कस करना था आवर नेक्स्ट इन आवर लेक्चर्स। तो आज हम जिस अपनी रिवाइवलिस्ट पर्सनैलिटी को जिक्र कर रहे हैं, प्रीवियस हमने हज़रत शाहवलीउल्लाह को डिस्कस किया था, और आज हम सैयद अहमद शहीद की पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। सैयद अहमद शहीद 1786 में रायबरेली में इंडिया में पैदा हुए, और उन्होंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन थी वो इतनी कंटिन्यूटी के साथ हासिल नहीं कर सके, बट वो जो डिफरेंट एक्टिविटीज थी, सम सॉर्ट ऑफ उस वक्त जो सोल्ड की ट्रेनिंग थी या फाइटिंग ट्रेनिंग थी, इसमें बहुत इंटरेस्ट था, और उन्होंने ये बाकायदा हासिल किया। फिर वो दिल्ली आ गए और उन्होंने अदशा वली मदरसा दुनिया वहाँ एडमिशन लिया, और उनके बेटे शाहबिल अजीज से उन्होंने हासिल की, और उनके जो जमाने में कहते हैं बड़े फॉलोवर्स में से थे। एजुकेशन ख़त्म करने के बाद इन्होंने इनके जो बातों से एग्री करने वाले लोग थे उनका एक ग्रुप बन चुका था, काफ़ी फॉलोवर्स जमा हो चुके थे, और वो फिर से मुसलमानों की जो प्रीवियस ग्लोरियस टाइम था उसके रिवाइव के जो है ख्वाहिश बनते, और उनका ये भी विश थी कि मुसलमानों की जो डिक्लाइनिंग जो रिलीजियस और पॉलिटिकली हो चुकी है उसको किसी तरह से रिवाइव किया जा सके। और उस वक्त उन्होंने अपनी पूरी जो लाइफ को है मुसलमानों की सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो और रिलीजियस जो रिवाइवल था उसके लिए वक्त कर दी। इनिशियली उन्होंने सबसे पहले जो है, और वो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उन्होंने कंपेन चलाई मुसलमानों में जो तौहीद यानी अल्लाह पर पक्का यकीन, और जो बहुत सारी उनमें डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ आ गई थी हिंदू और दूसरे रिलीजन्स की वजह से, जो सेंचुरीज से यहाँ एक साथ मिलकर रह रहे थे, तो मुसलमानों में बहुत सारी हिंदुओं की जो एक रस्म व रिवाज और कुछ मिस और कुछ आइडियाज़ आ चुके थे, वो उनकी कोशिश थी कि मुसलमानों को इन तमाम चीज़ों से निकाला जाए, और अल्लाह को पक्का यकीन, और उनकी जो एजुकेशन थी इस्लामिक उसमें किसी तरह से कोशिश की जाए, उसमें बहुत ही उन्होंने स्ट्रिक्ट और कंपेन चलाई। बाद में वो मुसलमानों के लिए एक पॉलिटिकल या जो स्ट्रगल उन्होंने शुरू की, और उनकी उनका ये अपना सोच थी कि मुसलमानों की जो ये डिक्लाइन है पॉलिटिकली उसको फाइटिंग लड़कर हासिल किया जाए, और जो एक इस्लामिक स्टेट बनाई जाए, जो उनकी ड्रीम था कि सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के लिए इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश की जाए। इसके लिए वो पहले जो है वो अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ काबुल गए, वहाँ उन्होंने पीछे किया, और उनके साथ जो कि सिखों के खिलाफ लड़ने पे एग्री हुए, उनके ब्रिटिश से की जो है एग्री होने की वजह से, उनके साथ सिखों के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने की वजह से नॉर्दर्न इंडिया यानी कश्मीर केपी के जो प्रीवियस था उस वक्त वो एनडब्ल्यूएफपी कहलाता था, और ये पूरा रीजन जो है पंजाब सिखों का स्ट्रांग होल्ड बन चुका था, और जो भी मुसलमान यहाँ मेजॉरिटी थी जो थी वो मुसलमान थी। तो पहले इन्होंने जो काबुल गए वहाँ से जो जितने भी इनके साथ सोल्जर्स या फाइटर्स इनके साथ जो शामिल हुए, उन्होंने एक छोटी जंगली और केपीके में यानी पिशावर को उन्होंने फ्री करवा लिया। ये बड़ी इनिशियल जो अचीवमेंट थी हुई, इससे उन लोगों के जो सैयद अहमद शहीद और उनके जो सोल्जर्स थे या फाइटर्स थे फॉरवर्स थे उनके जो हौसला जो है वो बुलंद हुआ, और इस जीत को देख के उनके साथ और बहुत सारे लोग जो शामिल होना शुरू हो गए।
इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट जो सब कॉन्टिनेंट के एरियाज थे वहाँ उन्होंने अपना जो फंडिंग के लिए जो है विजिट किए, जिसमें वो सिंध आए और उस वक्त के जो रिलीजियस फैमिली थी पीर वगैरह उनके पास आए, और जो इक्विपमेंट थी अजाकार थे सोल्जर्स थे उनकी रिक्वेस्ट की वेरी हाउ कोई सोल्जर्स हेल्प नहीं मिली, अलबत्त मॉनिटरी काफ़ी हेल्प मिली और वो सरिया दम शहीद ने अपनी फैमिली को भी वगैरह की तरफ छोड़ दिया और फर्दर एडवांसमेंट के लिए वो पंजाब की तरफ गए, और सैयद अहमद शहीद ने अपना हेडक्वार्टर अकोड़ा खटक में बनाया। यहाँ पे उनके एक बहुत बड़े जो एक फॉलोअर्स थे एक, और जब सैयद अहमद शहीद सिंध के बाद पंजाब गए और वहाँ उन्होंने अपनी जो इस ड्रीम को जो लोगों में कंपेन चला रहे थे वहाँ जब लोगों को ये बात इनकी मालूम हुई कि सिखों के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं और मुसलमानों के पूरे एरिए को फ्री करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ एक शाह इस्माइल शहीद अपने 6000 फॉलोअर के साथ एक तरह शामिल हो गए, इस तरह से उनको और जो थी वो, और इसके बाद जो है वो जब वो शाह इस्माइल शहीद के जो 6000 सोल्जर्स थे उनके साथ मिलने से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और उन्होंने पहला जो अटैक सिखों पे किया। जब सैयद अहमद शहीद ने अपनी पहली जो जंग सिखों के खिलाफ लड़ी अकोड़ा कटक में लड़ी, और ये यहाँ के तमाम जो उनके फॉलोअर थे सैयद अहमद शहीद फतेह याब हुए और उन्होंने पहली सक्सेस हासिल की अगेंस्ट सिख। इसके बाद उन्होंने दूसरी जो फाइट हुई बैटल उनकी दूसरों में हुई, ये जंग भी सैयद अहमद शहीद ने जीत ली, जिससे इनकी जो ना हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ और सैयद अहमद शहीद को अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर दिया गया, और पूरे रीजन में जो इनके अंडर कंट्रोल में था वहाँ उन्होंने इस्लामी कवानीन नाफिज कर दिए और एक टैक्स भी इनको इम्पोज कर दिया, जो कि ताकि इनकी जो इतनी बड़ी एक मिलिट्री कंपेन थी वो उसके लिए जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल हो, और बहुत सारे लोग जो है इसमें ट्राइब्स जो शामिल होते चले गए, और सैयद अहमद शहीद एटलीस्ट 80,000 की जो मिलिट्री फोर्स बन गई, और फिर उन्होंने फाइनली बालाकोट जो है वो 80,000 पे इनकी आर्मी पहुंच गई। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कुछ लोग इनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी, उसमें दो भाई सबसे ज़्यादा आगे आ गए थे, जिसमें दो यार मोहम्मद और सुल्तान खान सबसे आगे थे, इनके अपने ट्राइब से अपने सोल्जर लेकर आए हुए थे, और उन्होंने इस बात पे डिसएग्री किया कि इनकी जो यहाँ का लोकल रायबा था सैयद अहमद शहीद राय बरेली इंडिया के पैदाइश थे, वहाँ के रहायशी थे, और वो यहाँ पे आके अमीरुल मोमिनीन अकोड़ा खटक इस रीजन में स्वात रीजन में आके वो अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर किया, इसकी वजह से थोड़ा सा वो डिसएग्री थे, लिहाजा उन्होंने एक मर्डर अटैम्प्ट की सैयद अहमद शहीद पे, जिसकी सैयद अहमद शहीद बच गए और फिर वहाँ से वो चले गए और उन्होंने बालाकोट में अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया, और कश्मीर को उन्होंने कोशिश की कि सिखों से आजाद करवा दिया जाएगा, और कश्मीर को फ्री करवाने के लिए उन्होंने मुजफ्फराबाद से अपनी आर्म स्ट्रगल दोबारा शुरू की। बालाकोट पे उनकी एक फाइनल बैटल हुई सिखों के साथ, और वो लोग जो सैयद अहमद शहीद से डिसएग्री करते थे और उनसे ज़्यादा नाराज थे, उन्होंने कुछ ऐसे लोग सिखों के साथ खेल के बता दिए, जिसकी वजह से जो कि सैयद अहमद शहीद के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हुई, और हुआ हुई कि जो अपने ही जो लोग होते हैं जब मुसलमान को नुकसान पहुँचता है तो उसमें अपने लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और सर सैयद अहमद शहीद के साथ भी ये हुआ एट द टाइम ऑफ वॉर, जो हमने प्रीवियस टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला के साथ देखा सेम वही सिचुएशन सैयद अहमद शहीद के साथ भी हुई, और एट द टाइम ऑफ बैटल फील्ड बालाकोट पे इनके जो बहुत सारे सोल्जर ट्राइब्स थे उन्होंने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया, और एक बहुत ही ब्रूटल जो है ना फाइटिंग हुई सिखों के साथ, और तकरीबन 3000 जो
शहीद अहमद शहीद के सोचे वहाँ पे शहीद हो गए, इंक्लूडिंग सैयद अहमद शहीद वहाँ पे आखिरी दम तक लड़ते रहे। कुछ जो वो बच गए थे उनके साथ ही, पर वो भी आखिरी दम तक लड़ते रहे और शहीद हो गए। इस तरह सैयद अहमद शहीद की ऑल दो एक बहुत ही जबरदस्त एफर्ट थी मुसलमानों के लिए इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए और मुसलमानों के लिए उसको रिवाइव करने के लिए। सैयद अहमद शहीद की अगर हम बात करते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल का डिसीजन था, स्टेट उनके साथ नहीं थी और बहुत बड़ी जो एक पब्लिक ओपिनियन था ऑल दो उनके साथ था, बट जो उनकी कंपेन थी इससे बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे थे। स्पेशली वो जो एरिया था, जो रीजन था, वो बहुत ही टफ और डिफिकल्ट था फॉर द फाइटिंग के लिए। इसके बाद डिक्लाइन की जो जो सक्सेसफुल इतना ज्यादा इनकी जो मिलिट्री कंपेन थी उसके फेल होने के रीजन ये थे। बहुत सारे ट्राइब्स इसमें शामिल हुए थे, बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन जमा हो गए थे जो कि बहुत सारे बातों से डिसएग्री करते थे। जैसे मैंने पहले कहा कि अमीरुल मोमिनीन को डिक्लेयर करने से वो भी बहुत सारे ट्राइब जो है डिसएग्री कर गए, कुछ नहीं हुए। और प्लस उन्होंने एक लोकल टैक्स इम्पोज किया था ताकि उनकी जो फाइनेंशियल जो इनकी मिलिट्री कंपनी की फाइनेंशियल सपोर्ट हो सके, वो भी वहाँ के लोगों के लिए पहली दफ़ा एक नई चीज़ थी। लिहाजा इससे भी लोग जो है डिसएग्री हुए और टैक्स भी देने में उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। लिहाजा ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से सैयद अहमद शहीद की बहुत ही इफेक्टिव मिलिट्री कंपेन जो है वो फेल हुई। और ये भी एक बहुत बड़ी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के तौर पर सैयद अहमद शहीद हमेशा जाने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी इब्तदा तो मुसलमानों की रिवाइवल जो उनकी जो सोशल और रिलीजियस डिक्लाइन था वहाँ से शुरू किया और आखिर में मुसलमानों का जो मिलिट्री डिक्लाइन था यानी कंट्रोल जो एक ग्लोरियस कंट्रोल था सब कॉन्टिनेंट पे उसको रिवाइव करने के लिए स्ट्रगल की, जो कि एनी हाउ बहुत सारे रीजन की वजह से फेल हो गई। बट सर सैयद अहमद शहीद की अपने तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश थी और उनका एक रिवाइवलिस्ट पर्सनैलिटी के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। थैंक यू।